यूपी की राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे मायावती और मुलायम सिंह यादव बरसों पहले की कड़वाहट भुलाकर एक साथ चुनावी मंच पर होंगे। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के 24 साल बाद दोनों नेता एक मंच पर जुट रहे हैं। मैनपुरी में हो रही रैली पर सबकी निगाहें टिकी है और जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने विरोधी मुलायम सिंह के लिए वोट मांगेंगी। इस रैली में लाखों की भीड़ जुटने की संभावना है। तो वहीं तीसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें एक सीट मैनपुरी है जहां 23 अप्रैल को वोटिंग है। आपको बता दें कि 1993 में गठबंधन कर सरकार बनाने वाली सपा और बसपा के बीच 5 जून 1995 को लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद आपको बता दें कई कड़वाहट पैदा हो गई। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले सपा से हाथ मिलाने के बाद मायावती स्पष्ट कर चुकी थी कि दोनों पार्टियों ने भाजपा को हराने के लिए आपसी गिले शिकवे भुला दिए हैं। इस रैली में मायावती मुलायम सिंह और साथी इस समर्थन में क्या बयान देने वाली है ये आज मंच पर गौर करने वाली बात रहेगी।